हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत ही अच्छी तिरंगा मिठाई। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, जिसको मैंने गैस पे तो रख दिया है लेकिन अभी गैस को ऑन नहीं किया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क। ये फुल क्रीम मिल्क है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही लेना है हमें। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर, वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। अब हल्का सा हम बर्तन को गर्म होने देंगे। अब ये बर्तन हल्का हल्का गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है और फैट बनाने के लिए हम इसमें घी का यूज़ करेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसी टाइम हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, जो कि मैंने आधा कप करीब ली है। आधा कप से 1-2 चम्मच कम ही है ये शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब धीरे धीरे शुगर मेल्ट होने लगी है। अब देखिए धीरे धीरे ये बहुत ही थिक हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए घी डालने के बाद ये एकदम खोए जैसा लगने लग गया है और इसने बर्तन भी छोड़ दिया है। अब देखिए ये इस स्टेज पे आ गया है कि ये एक डो की तरह बनने लग गया है, एक जगह इकट्ठा होने लग गया है। इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप इसे थोड़ा सा निकाल के प्लेट में अलग से ठंडा कर लीजिए पहले। अब देखिए ये ठंडा हो चुका है और अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे, देखिए आराम से ये चिपक भी नहीं रहा है और आराम से किसी भी शेप में आ जाएगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि खोया हमारा एकदम तैयार हो गया है। अब हम इस खोए को 3 अलग-अलग प्लेट में डिवाइड कर देंगे इक्वली। हमें इसे एकदम बराबर ही डिवाइड करना होगा। अब देखिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम कलर लेंगे। अब मैंने 2 बाउल में अलग अलग कलर ले लिए हैं, क्योंकि हम ट्राई कलर मिठाई बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम ऑरेंज में भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें अलग अलग स्पून ही लेने होंगे, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएगा। अब दोनों कलर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको खोए में ऐड करेंगे। अब हम 1 पार्ट में डालेंगे ग्रीन कलर। इस
इसको आप अपने अंदाजे से डालिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अभी हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, बाद में हम लगाएंगे इसे मिक्स करने के लिए और अच्छे से। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं और उसमें ऑरेंज कलर मिक्स करते हैं। अब इस पार्ट में हम डालेंगे ऑरेंज कलर, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने एक बर्तन लिया है इसको बर्फ़ी को सेट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ग्रीन पार्ट, क्योंकि आपको फ्लैग में पता होगा ग्रीन पार्ट सबसे नीचे होता है। अगर आपके पास छोटा बर्तन हो तो आप उसमें सेट करिए। मेरे पास छोटा नहीं था इसलिए मैं इसको बड़े बर्तन में सेट कर रही हूँ। अब देखिए मैंने ग्रीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे जो प्लेन पार्ट जिसमें हमने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, अब इसको इसके ऊपर लगाएंगे। इसको पहले हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अब देखिए इसको भी हम अच्छे से इस पर सेट कर देंगे। अब देखिए प्लेन वाला पार्ट भी मैंने इस पर अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम लेंगे ऑरेंज पार्ट। अब हमने इसको भी अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब देखिए तीनों लेयर मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में हम जमने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से जम जाएगा, सेट हो जाएगा, तब हम इसको बाहर निकाल के कट करेंगे। अब देखिए मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। करीब 15-20 मिनट ही मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए मिठाई मैंने कट कर ली है और ये कितनी अच्छी लग रही है। हमारी तिरंगा मिठाई एकदम तैयार है। ये बहुत कम समय में और बहुत कम सामान से बनी हुई मिठाई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप जैसे मावे से मिठाई बनाते हैं आपको एकदम वैसे ही टेस्ट आएगा इसमें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।